कृषि बिल पर मचे घमासान और दिल्ली कूच कर चुके किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की है कि वो भ्रम में ना आए, क्योंकि जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया, आज वो झूठ बोलकर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर चुके किसानों को समझाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे आ चुके हैं। काशी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि पहले सालों तक एमएसपी के नाम पर छल होता आया, अब जब किसानों को आजादी देने की बात की गई, तो किसानों के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने दशकों तक छल किया, आज झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी, घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था, इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ किया कि कृषि सुधार के लिए लाए गए तीनों कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रकल्प किसानों को विकल्प, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो देश का कायाकल्प होगा। किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई। किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है।